ये साग ये लाए थे बनाने के, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि साग नहीं बनता है। तो अभी तो देखती हूँ, अगर ये 2-3 दिन रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर फेंका ही जाएगा। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ पनीर पराठे बनाने की तैयारी में, जो कि बेटे को नाश्ता दूंगी। और 7:30 अभी लगभग हो रहा है, 7:20 हो रहा है और सारे लोग उठ गए हैं। आटा मिलाकर उधर रख लिया है, तो ये कल शाम में साग लेते आए थे कि चलो अभी चूँकि अच्छे से खाना नहीं बन रहा है, साग को ही पका देना, ये हरी मिर्च डालकर खा लेंगे। लेकिन मम्मी ने मना किया कि इस स्थिति में साग भी नहीं खाया जाता है। तो डियर कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। जब तक हमारा पनीर टमाटर वगैरह अच्छे से पक जाएगा, तब तक जो 2-4 बर्तन हैं, रात में मैंने पानी में अच्छे से इसको दे दिया था फूलने के लिए, इसको मैं धो लेती हूँ क्योंकि अब सब काम खुद से ही करना है। तो जमा के इसके लिए रखना है। और अभी लंच वगैरह भी जो दे रही हूँ, चाहे आलू पराठा हो पनीर पराठा हो, उसमें भी प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। हम लोगों में बहुत नियम होता है, बिना हल्दी का खाना बनता है, बिना छौंक लगाए सब्जी दाल में छौंक नहीं लगाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। थोड़ी सी होती है परेशानी, मुझे लगता है ऐसा सब में होता होगा। तो यहाँ पर मेरा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक बार स्लैब साफ़ कर लूँगी, जो भी टोपिया वगैरह धोया सबको उल्टा कर रख लूँगी। एक बार किचन क्लीन रहता है तो फिर खाना बनाने में अच्छा होता है। और बेटा को स्कूल भेजने के बाद फिर ये पपीता काट देंगे। अब मैं लंच पैक कर रही हूँ, तो शुद्ध घी मंगाया था, सामान भी मेरा आ गया है ग्रॉसरी का, तो इसको भी मुझे रखना है। बहुत सारा काम छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये घी निकाल कर लेते आए हैं, तो इसको मैं लगे हाथ कैन में उड़े ले दूँगी, थोड़ा सा पॉकेट में रहने दूँगी रुई बत्ती भिगाने के लिए, क्योंकि गुरुवार से पूजा करूँगी। बुधवार को 12 दिन हो जाएगा, 13 दिन, तो फिर अगले दिन से पूजा करूँगी। हम लोग में ये भी होता है कि अगर वहाँ पर पूजा नहीं होता जिनके यहाँ कोई एक्सपायर करता है, तब तक हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं। तो 13वें दिन पूजा होता है, तो उसके बाद हम लोग पूजा पाठ में लगेंगे। तो बेटा को लंच यहाँ पर ये आ गए हैं किचन, बेटा का लंच मैं दे दूँगी और ये बाबू को नहला के ड्रेसअप उसका कर देते हैं। फिर मैं एक पराठा बना के उसको खाने के लिए देती हूँ, वो गेम देखता है ये खिला देते हैं। और दूसरा जो है मैं बना के पैक कर देती हूँ, तो मैं इसको कट कर दूँगी जिससे कि जल्दी ये ठंडा हो जाए। और ये गिलोई एलोवेरा जूस सब मैंने मंगाया है, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं फिर से पहले के ही रूटीन में आना चाहती हूँ। और गिलोई एलोवेरा जूस वगैरह किसी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, आपके चेहरे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए, बाल के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैं कंटर में घी को उडेल रही हूँ, और इसके बाद जब यहाँ बेटा चला जाएगा या फिर उसको रेडी करके वो अपना गेम देखेगा जब गाड़ी आए, तो फिर ये पपीता वगैरह काटेंगे, ये हम लोग पीने के बाद एलोवेरा जूस वगैरह पीने के बाद, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और यहाँ मेरा बेटा स्कूल चला गया है, हम लोगों ने पपीता वगैरह जो भी है खा लिया है, तो अब चाय बनाऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं चाय पीने के बाद। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? और अभी बेटा स्कूल से आया है, सब बर्तन मैंने जमा किया है, बाकी यहाँ बिखरा हुआ है, कल का तो पूरा दूध फट गया था, इसलिए मैंने अलग अलग गर्म किया है। एक मैंने करके रखा है दूध, अगर एक फटे तो दूसरा देखती हूँ, और दूसरा मैंने चढ़ाया है। और ये बेटा को खाना मिलाकर दे रही हूँ, वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता है, बोलता नहीं इसमें पीला नहीं दिख रहा है, इस तरह से उसको उतनी समझदारी नहीं है, लेकिन उसको मिला के मैं इसको दे देती हूँ। थोड़ा शुद्ध घी भी डाल दिया है, उसको मिलाकर खाने दे देती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये दिया है। उसके बाद बॉर्नविटा दे दूँगी, कुछ भी अभी बन रहा है तो इसी तरह बन रहा है, और किचन उसके बाद मैं जल्दी जल्दी निपटाऊँगी, फिर अगले कामों में लगूँगा। सामान भी आ गया है तो उसको भी अरेंज करना है, तो देखते हैं। और जब तक वो खाएगा, मेरी बेटी सोई है, तब तक चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जब तक किचन इस तरह बिखरा रहता है तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं होता है, मुझे लगेगा कब मैं जाकर किचन क्लीन कर दूँ। मैं इस काम को निपटा ही दूँगी ताकि ज़्यादा बर्तन ना जमा हो जाए।
और फिर अभी लगभग जैसे कि 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे मेरा बेटा आता है, तो आज थोड़ा पहले आ गया था। सारा साग मैंने फेंक दिया क्योंकि अभी अगले फ्राइडे को बनेगा, तब तक वो साग सही नहीं रहेगा, और कल से इसी तरह बंधा हुआ था तो वो गलने भी लगा था। एक साथ इतनी मिर्ची लेते हैं, मैंने सारी मिर्ची को धो के कर सुखा दिया, इसको अच्छे से रख लूँगी। और थोड़ा सा भिंडी बचा है, इसमें ये चींटी लग गया है। तो यहाँ पर जब तक मेरा बेटा खाया तब तक मैंने सारे कामों को निपटा दिया, और अब जो दूध भी गर्म हो ही गया है, तो दूध हालांकि अभी गर्म नहीं हुआ है, वो मैंने कल का दूध रखा हुआ है जो बचा है, दूध अभी मैं गर्म होने के लिए डालूंगी। और इस तरह से किचन निपट जाता है, बहुत अच्छा लगता है आपका, एकदम सर हल्का रहेगा। 2 बजते बजते पूरा किचन क्लीन है, 1 गिलास पानी भी पीने के लिए आइए तो आपको किचन साफ़ सुथरा मिलेगा। उसके बाद बेटा को मैंने सुला दिया, बेटी भी मेरी सोई है। यहाँ पर मैं सारे पेटीकॉट को निकाल के देख रही हूँ क्योंकि मुझे सारे पेटीकॉट में आयरन करना है, अभी तक किया नहीं है। और इधर का मैंने सोचा है कि ऊपर में सारा, इधर जो साइड वाले ड्रॉल में मैंने रखा है इनका कपड़ा वगैरह, ये ऊपर वाले ड्रॉल में रख दूँगी, नीचे वाले में बाबू का बुक रहता है, और साइड वाले में मैं अपना मशीन, अंटी, रील सब का डब्बा, कैंची वैची सब कुछ रखूँगी, क्योंकि बहुत इधर उधर रहता है, कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर, सिलाई का बिखरा रहता है। एक तो इर्द गिर्द नज़र भी नहीं पड़ना चाहिए, कभी सुबह उठ के सुई पे नज़र पड़ गया कभी कुछ, तो इस साइड वाले में रख के मैं लॉक ही लगा दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे बटन, रबड़, बहुत सारे चीज़ स्टिचिंग के होते हैं। अभी तो मैंने काम छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं शुरू करूँगी तो फिर से बहुत सारे सामान हो जाएंगे। तो मैंने सारा अपना कपड़ा जो था उनका इधर शिफ्ट कर दिया है, और डेली वियर का भी फोल्ड कर करके मैं इस पर ही रखती हूँ। तो जैसा कि सुबह आप लोगों ने देखा था, मैंने रात में कपड़ा डाला था उस पर ड्रायर पे, उसको भी फोल्ड करके मुझे रखना है। मैं रोज़ का रोज़ धो लेती हूँ, रोज़ का रोज़ फोल्ड करके अभी रख रही हूँ। अगर 2-3 दिन का कपड़ा जमा हो जाता है तो फिर मैं, वो सूखने में समय लेता है और फिर फोल्ड करने में भी टाइम लेता है, तो मुझे अब दोनों से तरह से आसानी होती है, चाहे 2-3 दिन का हो या डेली का हो, जैसे जो होता है संभव मैं वो कर लेती हूँ। और इधर मैंने सिलाई का सारा सामान रख लिया, कुछ उस रूम में पड़ा था, ये सब जो मैंने मंगाया था आप लोगों के साथ शेयर किया था, सब मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया। अब जो कुछ कपड़े पड़े हैं कुछ टप में भी रखा हुआ है, सबको मैं फोल्ड करूँगी, और वहाँ आपको हॉल में दिख रहा होगा पोछा करने वाला बकेट और टप रखती हूँ, जिससे कि डेली वियर का जो कपड़ा खुलता है टप में रखते जाती हूँ। शाम तक में जितना भी सेट हो जाए, 2 सेट मेरे हस्बैंड का हो जाता है, मेरा हो जाता है, 2-3 कपड़ा मेरी बेटी का, 2 सेट हो जाता है डेली का, मेरा बेटा स्कूल से आता है तब चेंज करती हूँ, सुबह का होता है, फिर शाम में सोने के मैं बनियान चेंज करता है, तो सारा या तो मैं रात में धो लेती हूँ या फिर नेक्स्ट डे सुबह। और अभी समय लगभग आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है 4:10 कम है, तो मैं भी 1 घंटा लेटी थी। हालांकि काम लगातार करिए, छोटा बड़ा बहुत सारा काम हो जाता है करने को, अगर आप सो जाइएगा तो समय कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है, और लगातार करते रहिए। मैं तो यही करती हूँ, थोड़ा फीडिंग कराने के दौरान लेट गई तो लेट गई, उसके बाद मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि जो काम जहाँ छोड़ दूँगी फिर वो उसी तरह से बिखर जाएगा। यहाँ बेटी का मैं नपकी फोल्ड कर रही हूँ, अब मैं इसको बहुत कम पहनाती हूँ, एक तो उसको आता नहीं है बेटी को, लेकिन अभी एक्स्ट्रा मैंने कोई पैंट नहीं मंगाया है, तो ड्रेस का जो सेट पैंट है अगर वो भींग गया तो फिर मैं कभी कभी वो पहनाती हूँ नेपकी, नहीं तो फिर मैं हगीज में ही उसको रखती हूँ, और उनका वहाँ रख दिया सारा कपड़ा, और यहाँ पर मैं अपना और बाबू का रखूँगी। तो ये जो दो आपको पर्पल और ऑरेंज दिख रहा है, एक में बाबू का बनियान और पैंट रखती हूँ, 8-9 बनियान है, तो इधर उधर हो जाता था पूरा, और इतना घर समेटा हुआ लगता है। बहुत दिन से मैं इस तरह से फ्री होकर काम नहीं कर पा रही थी, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक में टी शर्ट रखी हूँ, अपना जो साड़ी पहनती हूँ कुछ हैंग कर दिया, कुछ फोल्ड करके रखा है, और जो नीचे देख रहे हैं वहाँ पर मैं सोफ़ा कवर पर्दा वगैरह रखती हूँ, लॉकर के बगल में मैंने बेडशीट फोल्ड करके रखा है। इससे क्या होता है कि पूरा एकदम, और अभी देखिए टब में ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है। इतना करने के बाद मैंने थोड़ा सा चाय बनाकर पी लिया था, क्योंकि लगातार अगर आप करिएगा तो थकान होती है महसूस, और पहले मैं कम चाय पीती थी, लेकिन मैंने एक न्यूज़ में देखा कि अगर आप 2-3 कप चाय पीते हैं तो आपके शरीर का जो बैक्टीरिया होता है वो सारा बैक्टीरिया चाय मारता है, मतलब चाय से ज़्यादा हानिकारक कॉफ़ी है, अगर आप चाय पीते हैं ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 2 कप पीना शुरू कर दिया, तभी मैंने थोड़ा सा चाय बनाकर पी लिया इतना करने के बाद। अब मैं सारा सामान रखूँगी, और बाल्टी को मैंने धोया नहीं है क्योंकि लगातार इतना सारा काम मैं नहीं एक साथ करना चाहती हूँ, और जिस सामान को, जिस डब्बे को आप डेली टच करिएगा वही ज़्यादा गंदा होता है,
ये बकेट वगैरह तो कम ही छूती हूँ, ज़्यादा गंदा भी नहीं था, तो मैंने एक कॉटन कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। और एक बार चूँकि मेरा 4-5 किलो दाल ख़राब हो गया था, लाल वाला जो बड़ा ड्राम था उसी में मैंने सारा सामान रख दिया था, सर्फ वगैरह भी उसी में रख दिया था, जिससे कि सारा दाल सर्फ की तरह महकता था, बिल्कुल बनाने के लायक नहीं था। और मतलब कि मैंने सामान लिखा था, कुछ सामान नहीं लिखा था, जैसे बॉर्नविटा, जैसे कि चाय पत्ती, उनको लगा कि मैं भूल गई हूँ, फिर भी वो लेते हैं, और जबकि वो सब पहले से ही घर में था। और वो बोलते भी हैं कि तुम जो है 25 तारीख से सामान लिखना शुरू करो, क्योंकि मैं लिखने में देर कर देती हूँ, और बस जो काम छूटता है वो छूट जाता है, औरतों के साथ यही प्रॉब्लम होता है। मैं सोचूंगी अच्छा कल लिख दूंगी, इस चक्कर में 8-9 तारीख हो जाता है। तो ये बोल रहे थे कि तुम 25 तारीख से लिखना शुरू करो, नहीं तो तुम खुद जिम्मा लो, जिस तरह पहले लाती थी, पहले तो मैं ही लाती थी जब बाबू नहीं होने वाली थी, नहीं तो अब तुम खुद लाओ, मैं ये सब तालमेल में नहीं पढ़ूंगा, और मैं जो भी लिख दूँ, जितना भी वजन लिख दूँ, ये मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी खूबी है, एक बार पूछेंगे भी नहीं कि ये चीज़ तुम इतना क्या करोगी, वो सारा लेते आते हैं, कोई उसमें नहीं रोक टोक करते हैं। तो चीनी तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो मैं 1 किलो चीनी बाहर में रख लूँगी, बाकी सब कुछ मैं अरेंज कर रही हूँ। और वाशरूम का जितना भी सामान है, सर्फ हुआ, साबुन हुआ, कम्फर्ट, डिटॉल, गुनाइल, फिनाइल, हेयर डाई, ये ब्रश, जीबी पेस्ट, सब मैं अलग से एक बाल्टी में रखती हूँ। और इस बार मैंने नारियल तेल आधा के जी मंगा लिया है, क्योंकि बेटी का इसी से मसाज करती हूँ, कभी हिमालया से, अभी तो जॉनसन्स लगा रही हूँ, तो इसी से मसाज करती हूँ, सारा चीज़ इसमें रख लूँगी। और कुछ पापड़ वगैरह हैं जो कि पहले से था, जो बाबू की छठी में आया था तो बजा था, तो वो एक पॉलिथीन में रख लूँगी, जब छुत्तक उतर जाएगा डब्बा सब साफ़ करूँगी, धीरे धीरे कुछ सामान बाल्टी से खाली होकर डब्बा में रखाएगा, तब फिर बाल्टी में फिर से पापड़ वगैरह रख दूँगी। तो ये सब काम भी बहुत बड़ा काम होता है महीने में, इस तरह एक दिन इसमें समय देना, सब मिलाना, आप स्लिप से मिला रहे हैं चिट्ठे से, कितना सामान आया क्या नहीं आया, मतलब अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए दोपहर बिल्कुल भी नहीं होता है, आराम बिल्कुल हराम है, लगातार करते रहिए। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बगल में अभी पूजा हो रहा है, तो घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैं बेडरूम से वॉइस ओवर कर रही हूँ, बगल में ही घर है, और यहाँ पर मैं सारा सामान को अरेंज कर दूँगी, और उसके बाद फिर देखती हूँ, कपड़ा भी फोल्ड हो ही गया, सामान भी अरेंज हो ही गया, किचन का सारा काम कंप्लीट हो ही गया है, चीनी जो बचा है उसको रख लूँगी। इस तरह से मैंने सारा काम निपटा दिया, और ये करते करते काफ़ी समय लगा, चूँकि फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन ऐसे करने में काफ़ी समय लगता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और रुकी थी, बेडशीट वगैरह अच्छे से सीधा कर दिया, और सोफ़ा का कवर वगैरह ठीक कर दिया, पिलो ठीक कर दिया, क्योंकि इनका मॉर्निंग शिफ्ट अगर रहता है तो थोड़ा सा लगता है क्या कि सवेरे आ जाते हैं, आज मॉर्निंग शिफ्ट तो नहीं था, लेकिन 9:30 बजे गए हैं, फिर भी ये सवेरे आएंगे। सब कुछ ठीक करने के बाद चीनी भी रख दिया, अब मैं सारा बर्तन लगा लूँगी, और कुल मिला के मेरा काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ खाना बनाना और मेरी बेटी को देखना। तो उम्मीद करती हूँ डियर आप लोगों ने इस ब्लॉग को बहुत इंजॉय किया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, और मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा डियर। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बेटी को अपना 3rd डोज लगवाया, 3रा टीका लगवाया है, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था। लगभग अभी 5:30 हो रहा है, क्योंकि लगातार नहीं रुक रुक के, जैसे कि आप देख रहे थे कपड़ा फोल्ड करने के समय 4:15 हो रहा था, फिर थोड़ा सा बीच में रुक के फिटिंग कराया, कपड़े वगैरह मशीन में डाल दिए, ज़्यादा कपड़ा था नहीं, तो इस तरह से अभी 5:30 हो गया है। अब मैं अपनी बेटी को मसाज करूँगी, फिटिंग कराऊँगी, उसके बाद शाम के खाना में लग जाऊँगी, क्योंकि रात अधिक होती है तो मेरी बेटी ज़्यादा रोने लगती है, और आज भी पूरा दिन मैंने नाइटी में निकाल दिया, ये बहुत गुस्सा करते हैं, इतना गुस्साते हैं, तो मेरे पास तो कई सारी कुर्तियां हैं, लेकिन अब मैं कुर्ती को ही देखूंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और साड़ी संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए भी नहीं पहन रही, पूजा वगैरह नहीं करना है, तो नाइटी में वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो चलिए डियर, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बाय बाय डियर, बाय बाय, और अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के।